हेलो व्हाट्स अप गाइस, आज हम एक नए वीडियो में रुक गया अरे बाप अरे हक दिया भाई। हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है सबके। हम लोग आज एक वीडियो बनाने का सोच है कि लोगों ने बहुत सारे अजीब अजीब सवाल पूछ के रखे हैं गूगल को, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सवालों का जवाब देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग नए हैं वैलोरेंट में उनको है ना इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। तो मेरे साथ आज है निब्बल फेथ। हेलो निब्बल फेथ, तो लोगों की तरफ से एक सवाल है कि वैलोरेंट हु एम आई अप अगेंस्ट। अगर तुमको ये देखना है हु आर यू अप अगेंस्ट, तो तुमको एक ट्रैकर आता है, ट्रैकर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ट्रैकर से तुम लोग देख सकते हो तुम किसके अगेंस्ट हो। दूसरा सवाल है वैलोरेंट हु शुड टेक द स्पाइक। आई थिंक निब्बल इसका जवाब तुम दो, लाइक तुम ही लेते हो हमारे टीम। हु शुड टेक द स्पाइक एक्चुअली, जैसे कि बहुत सारे जो ड्यूलिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि उस साइट पे उसे क्लियर करे, तो जो लाइक कोई कंट्रोलर या कोई सेंटिनल है तो ही कैन प्लान द स्पाइक आई गेस। Who has the cheapest? Alt में cheapest कुछ नहीं होता, इसमें तो orbs होते हैं, alt खरीद थोड़ी ना सकते हैं। I guess वो points के हिसाब से मैं भी बोला जा रहा है, maybe। हाँ, I think that it would be Phoenix then. Six आता है ना? For me it will be maybe Cypher. Cypher कितने आते हैं? नहीं, Cypher के सात alt point लगते हैं, Phoenix के छः। ठीक है, तो next सवाल है कि what Valorant agent should I main? हाँ, ये सवाल बहुत खतरनाक है। इस सवाल का जवाब ऐसा रहेगा कि काइंड ऑफ तुम्हारा प्ले स्टाइल भी डिपेंड करता है कि तुम कैसे खेलते हो, एज एन अग्रेसिव प्लेयर हो या फिर पैसिव प्लेयर हो, है ना। तो क्या बोलते हैं निपुण, काइंड ऑफ लाइक तुमको ऑटोमेटिकली अगर तुम कोई भी एजेंट खेलते हो, फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर प्लेइंग के हो, बट काइंड ऑफ तुम फीनिक्स मेन करना चाह रहे हो, तो तुमको अपने आप को समझ आ जाएगी, आ जाएगा कि तुम क्या करना चाहते हो, ये जम नहीं रहे तुमको, यू नो लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन वाइज तुमको समझ आ जाएगा। ऊपर से ये भी होता है ना कि तुम्हारा गेम प्ले किस बेसिस पे डिपेंड करता है, तुमको टीम को सपोर्ट देना अच्छा लगता है या फिर तुमको अग्रेसिव घुसना अच्छा लगता है ना। जैसे हमारी टीम में एक पागल है रीपर, इसको घुसना अच्छा लगता है, तो ना उसके लिए डुअलिस्ट सही है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट वैलोरेंट टीम इज टेंस ऑन। आई थिंक मेरे को आइडिया है, नहीं निब्बते को आइडिया है कौन से टीम में है करंटली? जहां तक मुझे जो लेटेस्ट आइडिया था, क्योंकि अभी मैं फॉलो अप नहीं कर रहा उतना, आई थिंक सेंटिनल ने उसको अभी तक रखा हुआ है फॉर सम रीजंस, मैं सीख नहीं जानता होगा, इज अ गुड एसेट फॉर देम। नेक्स्ट सवाल थोड़ा अजीब सा है, पता नहीं क्यों लोग ये पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हिच वैलोरेंट कैरेक्टर्स आर गे। आई थिंक इसका जवाब कोई कैरेक्टर गे है नहीं, लेकिन वैलोरेंट ने रिवील किया था देयर एलजीबीटी के लेस्बियन कम्युनिटी से किलजॉय और रेज आते हैं। तुमको जानना है कि वो इन कैरेक्टर्स के बारे में ऐसा सवाल, ये सब जानने वाली बातें नहीं होती है गाइस, कम ऑन। ठीक है, विच वैलोरेंट सर्वर इज इजीएस्ट। ये मेरे हिसाब से आई थिंक इट वुड बी, देखो आई थिंक सिंगापुर सर्वर इज वेरी टफ, Korean servers are tough. Very tough, yep. NA server is decent. I think it would be EU server, maybe EU ka servers. It can be both actually, EU and NA both, all I can say. Kyunki tryharders like wahan pe chill karne ke liye khelte hai na, I think chill server is NA, hai na, people play there to chill. Yep. So I think maybe NA or EU, because Asian servers are tough, you know, AF wo hai. You know, उसका तुम कुछ बोल नहीं सकते। मुंबई सर्वर इज नॉट इजी, मुंबई सर्वर में जितना टॉक्सिसिटी है इट्स नॉट इजी। भोसड़ी के एंबुश स्नाइप कर दिया था मैंने लौड़े यार, इसकी इतनी इट्स नॉट इजी टू प्ले। मुंबई सर्वर इज वेरी बिल्ड डिफरेंट बट इन टॉक्सिसिटी यू कैन से। कहते हैं नेक्स्ट सवाल है कि व्हिच वैलोरेंट ट्रैकर इज बेस्ट, बताने बोल तो कुछ यूज करता है ट्रैकर, व्हिच वैलोरेंट ट्रैकर इज बेस्ट। लाइक मैं उतना कुछ तो यूज नहीं करता, बट जहां तक मुझे मालूम है कि tracker.gg नाम का एक वो है वेबसाइट और एप्लीकेशन बोथ, वहां पे मैं ज्यादातर अपना स्ट्रैट्स या कुछ भी देखना होता तो मैं वही देखता हूं। इट्स गुड, इट्स गुड। व्हिच वैलोरेंट एजेंट्स आर डेटिंग। आई थिंक तुमको अभी मैंने जिसका जवाब, आई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन की रेज एंड केजे तो डेट कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं एक दो एजेंट को डेट करना ऐसा प्रेफर करूंगा कि ऐसा दो लोग कर रहे हैं आपस में, मुझे देखना अच्छा लगेगा। वन इज सोवा एंड सेज, यू नो पापा एंड मम्मा, टू काइंड्स ऑफ एजेंट्स काइंड ऑफ, हां कह सकते हैं, क्योंकि लाइक उनका बॉन्डिंग लाइक ट्रेलर्स में एंड टीजर में वैसा थोड़ा दिखाया है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। साइफर तो भाई सबसे कोने में पड़ा रहता है, इट्स लाइक बिग बॉस के घर में अविनाश। तो अगला सवाल ये है जनता की तरफ से कि हाउ वैलोरेंट रैंक वर्क्स। हाँ, ये सवाल कि ऐसा है ना question. कि
कि देखो पहली बात तो तुम्हारा जो रैंक होता है वो डिपेंड करता है MMR पे, ठीक है? लाइक इफ यू आर इन द लोअर रैंक और तुम हायर रैंक में रैंक अप कर रहे हो, यू विल गेट अ लेस प्लस एंड अ लॉट ऑफ माइनसेस, क्योंकि तुम हारोगे तो बहुत माइनस मिलेगा तुमको। तो मोस्टली क्या होता है ना, तुम्हारा MMR जब बढ़ता है, लाइक व्हेन यू आर इन अ हायर रैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल गेट प्लस मोर एंड माइनस लेस। सो दैट्स हाउ वी नो कि वैलोरेंट ऐसे इसका रैंक सिस्टम वर्क करता है। आई थिंक इट माइट बी चेंज इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ ये ऐसा ही वर्क करता है। हिडन MMR होता है, काइंड ऑफ हिडन MMR से भी बहुत फर्क पड़ता है गेम प्ले पे एंड ऑल पूरा। व्हेन वैलोरेंट नाइट मार्केट, व्हेन वैलोरेंट नाइट मार्केट, ये सवाल ही गलत है। पहले तो व्हेन डज वैलोरेंट नाइट मार्केट कम, ये होगा सवाल। सवाल ही गलत है सबसे। हाँ, तो पहली बात तो वैलोरेंट नाइट मार्केट जो आता है वो एक्ट के एंड से थोड़े दिन पहले आता है, 14 या 13 days पहले आता है मोस्टली। तो अगर आपको वैलोरेंट नाइट मार्केट में कुछ खरीदना है तो उस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैलोरेंट के स्टार्टिंग एक्ट में कोई नाइट मार्केट नहीं आया आज तक जितना मेरे को याद है, और मोस्टली एंड में आता है। एंड में भी इसलिए आता है क्योंकि कोई कोई लोग स्टार्टिंग में खेल नहीं पाते ड्यू टू सम रीजंस, तो एंड में आते तो मे बी उनको चीप में स्किन मिल जाता है इन द नाइट मार्केट, यू नो, काइंड ऑफ। Can Valorant played with a controller? I think Nibble, yes. आप ही जवाब दो। Yes, you can play with a controller. You know, Omen main. I'm a fucking Omen main. Just kidding. And if you're a psycho, controller से मैं भी खेल सकता। If you're a psycho, you want your team to lose, do try controller. मेरे हिसाब से कर लो। Try कर लो। Yep, yep. Sure, you can do that. फिर है Valorant where to smoke? Oh my god, he's a smoke main, एक main है अपना smoker main, इसको पूछो okay, where so to smoke? As I say, मेरा smoke ही मेरा घर है, मेरा smoke मेरा 1 BHK होता है, तो smoke वहाँ करो जहाँ तुम्हारे teammate को सबसे पहले जहाँ पे help की जहाँ पे जरूरत हो, और कभी कभी like you can use on yourself too when you are in a clutch situation or like a like बहुत सारे लोग आ रहे हैं, sky का dog आ रहा है, so you can be saved with your smoke and you can play inside and outside. मोस्टली इंपॉर्टेंट एरियाज में स्मोक करा करो, जहाँ पे तुमको लगता है प्लेयर्स पीक करके तुम्हारे प्लांटर्स को मारेंगे, या फिर वो लोग जिस साइड से पुश करने का ट्राई कर रहे हैं उस साइड स्मोक करो। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मे बी अ सिल्वर और ब्रॉन्ज प्लेयर, जिनको आइडिया नहीं है क्या है इस गेम में करना होता है, उनके लिए ये सवाल का जवाब। वेयर इज वैलोरेंट फ्रॉम, इस सवाल का जवाब रहेगा वैलोरेंट इज फ्रॉम NA, उसका कंपनी NA में बेस्ड है, बट इट्स ओन्ड बाय अ चाइनीज कंपनी, ठीक है? Yep, अगर तुमको इस बारे में और रिसर्च करना है गूगल में सर्च कर सकते हो, तुमको उसका जवाब वैसे भी मिल जाएगा, पर मोस्टली जितना मेरे को पता है ये एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है जो NA में इसका सेटअप है। तो और एक सवाल ये है, ये बहुत लोगों का सवाल है एक्चुअली कि व्हेन विल वैलोरेंट मोबाइल रिलीज, और मेरा एक पर्सनल सवाल है कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अपने गेमिंग कम्युनिटी में, ठीक है? तो वैलोरेंट मोबाइल का रिलीज तो आई थिंक वैलोरेंट वालों ने खुद बताया है कि ये बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं, इनके जो डेवलपर्स उन्होंने रिवील किया है कि लोग डेवलप कर रहे हैं अभी, वो रिलीज करेंगे बहुत जल्द, और इम्पैक्ट के हिसाब से तू क्या बोलते हैं निपल, कैसे इम्पैक्ट रहेगा इसका? इम्पैक्ट के हिसाब से जैसे काइंड ऑफ जो लोग जिनके पास लाइक जो पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते या वो डोंट लाइक गेमिंग ऑन पीसी, लाइक कोई कोई लोगों को दे प्रेफर मोबाइल्स बिकॉज कहीं भी कैरी कर सकते हैं एंड दे कैन प्ले व्हेरेवर दे वांट, सो इट विल ब्रिंग अ गुड इम्पैक्ट आई विल से टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इसमें इम्पैक्ट एक चीज का आएगा कि वैलोरेंट के ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी भाई, देखा जाए ना तो वैलोरेंट मोबाइल के वजह से ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी, काइंड ऑफ ऑडियंस भी बढ़ जाएगी एंड जो टूर्नामेंट या लैन इवेंट जो अभी हो रहे हैं धीरे-धीरे वो और भी बढ़ सकते हैं, लाइक फॉर ग्रेटर ऑडियंस टारगेट काइंड ऑफ थिंग। एक वियर्ड सा सवाल है कि वैलोरेंट विदाउट डाउनलोडिंग, देखो क्लाउड गेमिंग तो आया है, आई नो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाउड गेमिंग, बट आई डोंट थिंक यू कैन प्ले वैलोरेंट विदाउट डाउनलोडिंग, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, इसमें लेटेंसी बहुत आएगा और तुम मरते रहोगे और मरते मरते तुम अनइंस्टॉल कर दोगे, ठीक है? तो बेकार है, तो मतलब क्लाउड गेमिंग में सिंपल सा अगर पूछो तो वैलोरेंट विदाउट डाउनलोडिंग ऐसा हाथ पकड़ो और बंदूक से वेंडर से मार दो। अच्छा, दीस क्वेश्चंस, ओके, दीस आर वेरी यू नो चीकी क्वेश्चंस, आई थिंक ये जो सवाल है ये सवाल किसी हैकर ने किया है, ठीक है? कि वैलोरेंट विदाउट राइट क्लाइंट एंड वैलोरेंट विदाउट वैनगार्ड, आई थिंक दीज क्वेश्चन, ये जो सवाल है ना ये सारे हैकर लोग का सवाल है जिनको हैक करने का मन है, तो उस सवाल का क्या जवाब देंगे आप निबल, बता? Valorant without Vanguard, all I can say, देखो जिसको हैक करना है Valorant में वो कर रहा है अभी भी, ठीक है? Like Valorant is doing their job perfectly, but somehow hackers are finding some ways to crack the system, you know, like वो अभी भी कर रहे हैं, because if you see the score in Track.gg, इतना बढ़िया गेम है भाई, क्यों चोदना है इस गेम को फालतू का? Can bronze play with gold? I think bronze 3, silver 1, 2, silver 3,
gold. I bronze, don't think bronze nahin. 3 bronze 3 can play with silver 3 but not with gold. I Haan. Guess no. Silver 3 ke sath tum khel sakte ho par gold ke sath yeah. tum ek rank up kar lo khel paoge uske baad. Valorant with trackpad matlab ki tumko laptop mein khelna hai to Valorant trackpad use karna hai. Iska kya rahega? I think nahin. मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं दिखा रहे फिर एक क्विक सवाल आता है यहाँ पे वैलोरेंट इज वैलोरेंट फ्री यस वैलोरेंट इज फ्री बट इट्स गोना टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू इंस्टॉल इट बिकॉज़ यू विल बी विलिंग टू पे फॉर स्किन्स तो उसके वजह से तुम वैलोरेंट को पेमेंट करोगे इट्स काइंड ऑफ फ्री बट वो तुम्हारी आत्मा निकाल देगा जब तुम खेलने जाओगे तो मेन बात वो हां तो इफ यू आर विलिंग टू गिव योर सोल टू वैलोरेंट यस इट्स फॉर फ्री बट यू नो योर सोल इज नॉट फॉर Yes. Valorant nearest airport. Bro, I think you need to ask flights. You know, flights ko poocho where he lands. Yes. He'll say, you know, jahan wo land karta hai, wahi airport ban jata hai. ठीक है? तो एक अच्छा सवाल पूछा गया है कि what makes Valorant different? Valorant को different कैसे बनाते हैं अलग games से? ये बता तेरे point of Valorant different. What makes Valorant different is kind of As you know, Valorant is a kind of game like CS:GO. तो CS:GO में abilities नहीं हुआ करती थी, but ये game में like जो abilities है हर एक agent की, जैसे कोई Sova का, Phoenix का, तो वो कोई कोई game से like kind of motivation ले लेके हर एक abilities को लिया गया है हर एक game से. तो वही एक game को maybe थोड़ा special बनाता. It is a different kind of game, है ना? बहुत अच्छा game है फिलहाल. Yeah. मेरे हिसाब से. Valorant, can you refund skins? हाँ, Valorant, can you refund skins? I think if you buy a skin और तुम उसको upgrade नहीं करते, तो फिर Valorant तुमको skin का refund देते हैं. And if you upgrade your skin, तो वो refund नहीं देते हैं. तो next time से अगर तुमको skin try करना, सिर्फ खरीद के देखना कि तुमको suit कर रहा है कि नहीं, don't upgrade it. Try, you know, buy करो. और I think जो लोग खरीदते हो जान वो तुम यूज कर चुके होते हैं मोस्टली बट अगर तुम अपग्रेड कर देते हो यू कैन नॉट रिफंड द स्किन 70-80% ऑलरेडी नो दैट इफ दे अपग्रेड दे कांट रिफंड टू बी ऑनेस्ट एक सवाल है कि वैलोरेंट कैन यू प्ले विद अदर रीजंस आई थिंक नहीं यू कैन नॉट प्ले विद अदर रीजंस एंड यस यू कैन टेक एन अकाउंट फ्रॉम समवन टू प्ले अदर रीजन बट यू माइट गेट बैंड फ्रॉम यू नो योर पीसी माइट गेट बैंड तुम्हारा पीसी बैन हो सकता है इफ यू विलिंग टू अफोर्ड दैट काइंड ऑफ लॉस कि तुम्हारा पीसी बैन हो जाए तुम्हारा मदरबोर्ड चेंज करना पड़े तो ट्राई करो और ये एक सवाल ऐसा है जो मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ कि बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए ठीक है तो आई थिंक पहले तू जवाब दे इस सवाल का निबल ठीक है हाउ वैलोरेंट प्लेसमेंट वर्क How Valorant placement works? Placement, जहां तक जितना मैंने देखा है कि बहुत डिपेंड करता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वैलो भी आधा नशे पे रहता है कभी कभी वो आपका जो अकाउंट रहता है जैसे इफ योर एसेंडेंट और प्लैटिनम वॉट एवर रैंक यू आर इन प्रीवियस रैंक वो कभी भी आपको कुछ भी रैंक दे सकता है बट अगर आपका नॉर्मल हुआ तो लाइक मे बी अरे कहना क्या चाहते हो तीन चार रैंक नीचे कर रहे थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो अभी देखो क्या सीन है ना कि वैलोरेंट का जो प्लेसमेंट कैसे काम करता है मेरे हिसाब से बताता हूँ It doesn't matter how many games you win or lose, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसका रीजन है कि मैं दो एक्ट इमॉर्टल 2 में एंड किया हूँ ठीक है एक एक्ट में मैं प्लेसमेंट के 5 गेम हारा हूँ ठीक है और मैं एसेंडेंट 1 में प्लेस हुआ था और नेक्स्ट एक्ट में मैं इमॉर्टल 2 ही एंड किया हूँ ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स के साथ ठीक है और मैं 5 गेम जीता हूँ और मुझे फिर भी एसेंडेंट 1 ही मिला है तो मेरे हिसाब से वैलोरेंट के प्लेसमेंट्स में तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना जीत रहे हो कितना हार रहे हो मैंने देखा है बहुत सारे लो रैंक प्लेयर्स होते हैं जो डरते हैं प्लेसमेंट खेलने से कि यार प्लेसमेंट खेलूंगा तो लो रैंक आएगा नहीं ऐसा नहीं आएगा तुम जो रैंक डिजर्व करोगे वही आएगा चाहे तुम हारो या जीतो तुम्हारा लास्ट एक्ट के बेसिस पे वो लोग रैंक देते हैं वैलोरेंट लाइक ऑनलाइन गेम वैलोरेंट लाइक ऑनलाइन गेम CS:GO एक है Valorant like Android game. I think इसका एक आया था recently एक game आया था Valorant like Android game एक आया था. हाँ kind of एक game आया था Play Store पे but अभी मेरे को उसका नाम नहीं याद currently. तो यहाँ तक Valorant के जनता के सवाल थे कि हाँ ये सवाल इंडिया में mostly पूछे जाते हैं. ठीक है तो ये सवालों के जवाब हमने almost देने की कोशिश की है कि जितना हो सके. और अगर तुम लोगों को ऐसे videos पसंद है जिसमें हम लोग तुम्हारे सवालों के जवाब देते हैं तुम एक काम कर सकते हो तुम जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिख सकते हो सारे सवाल मैं नोट करके रखूंगा
और अगर तुम लोगों को और अलग गेम के से सवाल चाहिए, पबजी के, एपेक्स के, किसी भी सवाल चाहिए, किसी भी टॉपिक पे बेस्ड है ना, गेमिंग के इसमें से या फिर किसी की भी इसमें से, हम लोग इन सवालों का जवाब देंगे। और मैंने एक नया ट्राई किया कि एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट जैसा कुछ करे, यू नो, ऑफलाइन पॉडकास्ट, नॉट अ ऑनलाइन पॉडकास्ट। तो मे भी आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो, होपफुली यू लाइक द वीडियो। और एक काम करना, जो भी तुम्हारे दोस्त है जिनके ऐसे अटपटांग सवाल होते हैं वैलेंट से रिलेटेड, ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनको समझ में आए कि ये सवालों का जवाब क्या है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय फ्रॉम निबल। और हाँ गाइस, मैं निबल का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, वो बंदा मस्त वीडियो बनाता है। भाई दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो, बहुत मेहनत कर रहा है लौंडा। चलो थैंक यू, चलो बाय।